मेरे मित्रों, चलना पड़ता है अंधारों पर इतिहास रचाने को, ऐसा क्या नहीं बनता मेरे मित्रों कि चलना पड़ता है अंधारों पर इतिहास रचाने को, बिना ताकत जाके एक झरना भी हिल नहीं सकता, संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, बिन मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता, यानी संघर्ष ही दिलाता है इंसान को मुकाम उसका, बिन मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता। मेरे साथियों, आपको संघर्ष की राहों में ले चलते हुए कुछ कहना है कि खुशियों की क्या औकात, खुशियों की क्या औकात कि मेरे घर का रास्ता भटक जाए, खुशियों की क्या औकात कि मेरे घर का रास्ता भटक जाए। एक दफा ये संघर्ष की रात में धर ले दो, एक दफा ये संघर्ष की रात को धर ले दो। मेरे साथियों, जैसे जैसे आप संघर्ष करेंगे वैसे वैसे सफलता आपके चल टूबने के लिए मजबूर हो जाएगी। मेरे मित्रों, आज संगठन इस ऊंचाई में पहुंच चुका है कि जो लोग चादुकाशा करते थे उन चंद लोगों के लिए ही संघर्ष का पर्याय बन गए थे। आपने ये साबित कर दिया कि यदि हक हमारा है तो लड़ाई भी हम ही लड़ेंगे। जिस दिन खत्म हुआ ये सफल संघर्ष का, जिस दिन खत्म हुआ ये संघर्ष सफर का, अच्छे अच्छों के दिमाग खिल जाएंगे। जिस दिन खत्म हुआ ये संघर्ष सफर का अच्छे अच्छों के दिमाग खिल जाएंगे। ऐसा होगा फिर मेरी जिंदगी का रसूख, ऐसा होगा फिर मेरी जिंदगी का रसूख कि सबको सबके सवाल के जवाब मिल जाएंगे, इस सबको सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरे साथियों, संघर्ष की कीमत जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं है, संघर्ष की कीमत जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं, मगर इससे ज्यादा जो हासिल होता है शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं, इससे ज्यादा जो हासिल होता है शायद उसे तुम्हें अंदाजा नहीं है। मेरे साथियों, आप लोगों को इतने के सबरी से इंतजार किए, थोड़ी देर और रुक गए होते तो मुझे और भी अच्छा लगता। बहुत कम बोलता हूँ लेकिन आज मेरी इच्छा थी बोलने की। उठा बैठाला, हम अब 2031 तक इसी संघ में रहेंगे और मैंने अपने साथियों की जो ये सच्चा तपस्या देखी, हमारे सबको कुछ ना है, का मार्गदर्शक है कुछ ना है, लेकिन हमने ये सोच लिया कि आज हमारे आपत्ति काल में विपत्ति में मैंने देखा ना कोई हमारा MLC, ना कोई हमारा ये शिक्षक संघ का नेता और ना ही चेत नारायण के तथा कथित नेता, इनसे तो मैं चिरौरी करता रहा, भैया वेतन का कहीं ना इधर आगे गई, एक बार कट गया अगर तो फिर जुड़ेंगे नहीं, हम कह रहे हैं तो कितने दिन झेलेंगे, कहीं भैया कुछ तपस्या को करना पड़ेगा। हमने कहा भाई साहब याद दिला दे रहे हैं, अगर आपको एक ही गुट को भी हम मान कर रहे हैं, क्योंकि हम सत्य के साथ है, हम संविधान के साथ, और हम तो यही कहते हैं कि मैं जब इस कुछ में आया तो मैंने देखा सब नए नए आयोग के चयनित सब लोग थे, एकदम बहुत तबियत खुश हो गई। हमारे रविंदर भाई थे, अच्छे छुपा चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, हम लोगों ने मशविरा किया, अरे जो संगठन मर गया है अब उसके पीछे क्या जाना है, अब उसकी हर चीज तैयार है, चाहे चेत नारायण गुट हो चाहे ये शर्मा गुट हो, अब ये जिले में कोई गुट नहीं चलेगा, चलेगा तो केवल एक गुट। और ये समझाऊ अगर मैंने जैसी बदर भर की है, ये सबसे बिल्कुल न डरिएगा, हमारे यहाँ 38-45 लोगों का स्टाफ था जिसमें 13 सदस्य थे, तो सदस्य तो कह रही हुई गई हमें, अब ये सब हमारे सबसे मुँह।
हमने सबसे मुंह फुलाए। अरे तुम्हारे लिए सरकार लड़ी, तुम्हें सुन रही है हाईकोर्ट, तुम कोर्ट निकाला, सुप्रीम कोर्ट निकाला, उनमें ना हमारे सब सबसे बड़ा दुश्मन हो गए, अब बोलते ही नहीं है, ना बोलो ना बोलो। और ये हमारे मैनेजर मैनेजर साहब को इतना बात क्यों नहीं, कोई रहनुमा करने वाला नहीं है, हमें क्यों सोचे तीन को लाचार सोचे, वो समझते हैं इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन में जाकर
के माध्यम से मनाया जाता है कि आज शिक्षक दिवस के दिन पर जो आप लोग शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे, इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है। और अगर